मध्य प्रदेश में कुपोषण के कलंक से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। आलम यह है कि लाखों बच्चे बौने हो चुके हैं, हालांकि पहले की तुलना में सुधार आया है। कुपोषण से बौने हो रहे हैं बच्चे, उम्र बढ़ने पर भी दिख रहे छोटे। जिन बच्चों का कद उम्र के साथ बढ़ना था, वह कुपोषण के कारण बौने बन रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पोषण आहार के लिए 65 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें से 24 लाख बच्चों का कद और वजन उम्र के लिहाज से कम है। आलम यह कहे कि 5 साल से कम उम्र के 35.7% बच्चे बौने हैं, 19% बच्चे कमजोर हैं और 33% बच्चों का वजन कम है। हालांकि पहले और अब में थोड़ा फर्क आया है, बावजूद इसके सुपोषण के आंकड़े सुकून देने वाले नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में कुपोषण की दर 64% है। जनजातीय इलाकों में यह आंकड़ा 72% तक है। 5 साल से कम उम्र वर्ग के मौत की दर बढ़ी है। 15 से 19 साल तक की लड़कियों में एनीमिया की दर 5% बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में 4.25% और ग्रामीण इलाकों में 5% की बढ़ोतरी हुई है। कुपोषित बच्चों के कारण जो आई है समस्या की हाइट भी बढ़ रही है, वाकई ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर हम लोग महिला बाल विकास के साथ कोऑर्डिनेट करके इसको देखते हैं कहाँ क्या कमी रह गई है, उसको जल्दी पूरा करेंगे। और मेन चीज़ यही है कि बच्चों को अगर न्यूट्रिशन सही मिलता रहेगा समय पे, तो ये इससे निजात पाई जा सकती है। और ये ऐसा कोई चीज़ नहीं थी कि जिससे हम लोग बच नहीं सकते थे, इसको बिल्कुल देखी जाएगी और जो उनके पीछे दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब सवाल है कि आखिर कुपोषण में कमी क्यों नहीं आ रही है, तो बताया जा रहा है कि सिस्टम में सुधार की जरूरत तो है ही, इसके साथ ही खर्च होने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की आवश्यकता है। आंकड़े बताते हैं कि पोषण पर प्रति बच्चा 7 रुपये रोजाना खर्च होता है, जबकि प्रावधान के मुताबिक 8 से 12 रुपये रोजाना खर्च होना चाहिए। मतलब ये कि केंद्र सरकार ने जितना प्रावधान किया है और उसके हिसाब से राज्य में राशि खर्च नहीं हो रही है। देश की केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार निश्चित तौर पर बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, कुपोषण से उनको राहत मिले, निजात मिले, इस बात के लिए हमेशा से प्रयास करती रही है। केंद्र सरकार ने नए नए योजनाएं बनाई हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निश्चित तौर पर महिलाओं के और बच्चों के विकास को लेकर तमाम सारी योजनाएं बनाई हैं। चाइल्ड बजट मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अभी पेश किया है। निश्चित तौर पर वो बजट आने के बाद में उनका सोच ये है कि हम बच्चों की सुविधा और ज़्यादा उपलब्ध कराएं, महिलाओं को और ज़्यादा हम आराम देने की स्थिति में आए। जो एवरेज भी है मध्य प्रदेश का, वो पूरे भारत के एवरेज कुपोषण से ऊपर है। 39% के बच्चे कुपोषण से कुपोषित। कारण क्या है? सिर्फ एक ही कारण, जो भी इनके लिए भोजन आता है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपाइयों के घर चला जाता है। उनका स्वास्थ्य बढ़ रहा है, वो तंदुरुस्त हो रहे हैं और बच्चों की यह हालत है कि आज कम से कम तकरीबन 45-47% बच्चे जो है मध्य प्रदेश में कुपोषण से ग्रसित हैं। और साथ ही जो महिलाएं गर्भाधारण कर रखी हैं वो भी हैं, वो ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं। तो सीधा सीधा जो ट्रक पकड़े जाते हैं इसके राशन के, जो कि पोषण आहार के लिए दिए जाते हैं, वो पकड़े इसीलिए जाते हैं। ब्लैकमेलिंग जो होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, यही कारण है कि बच्चों तक वो पोषण नहीं पहुँच पा रहा। जानकारी के मुताबिक पोषण आहार के लिए 1450 करोड़ का बजट है। पोषण आहार के लिए 83.54 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में ये राशि प्रति हितग्राही पर 5.80 रुपये रोजाना बैठती है। मतलब ये कि सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ साथ बजट भी बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने एक अलग पहल की है और अब आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेना शुरू कर दिया गया है। गोद लेने वाले लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मॉनिटरिंग भी करेंगे ताकि जमीनी स्तर पर कोई गड़बड़ी ना हो। माना जा रहा है कि इससे कुपोषण के आंकड़े में कमी जरूर आएगी। कुपोषण एक ऐसी बीमारी है जिसे दूर करने का इलाज सिर्फ पोषण आहार है। बावजूद इसके 24 लाख बच्चे प्रदेश में बौने रह गए, तो इसके मायने ये हैं कि या तो पोषण आहार उन ज़रूरतमंद महिलाओं और बच्चों तक पहुंच नहीं रहा, या फिर पहुंच रहा है तो वो
इसको खा नहीं रहे। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की भी कई बार शिकायतें सामने आई हैं और प्रशासन ने कार्रवाइयां भी की हैं। सरकार हालांकि कुपोषण दूर करने के लिए गंभीर दिखाई देती है, इसीलिए तरह तरह की योजनाएं भी चलाई जाती हैं, फिर भी अगर बच्चे बीमार हो रहे हैं तो सरकार को अपने सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।